आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा समझने के बाद ही कोई डिसीजन लें। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल की छुट्टी है, एक साल आप पे कोई प्रेशर नहीं है और एक साल आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं और सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो, और एक साल बाद मैं आपसे कहूं कि छुट्टी ख़त्म, अब चलो काम पे, एक साल के बाद आपका नेचर कैरेक्टर कैसा होगा? याद करें जिसने 10th क्लास में मैथ्स छोड़ दी थी, क्या 12th क्लास में आने के बाद दोबारा मैथ्स लेने की हिम्मत थी आप में? हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। मैं हर जगह वीडियोस देख रहा हूँ कि स्कूल्स बंद करो, फीस मत दो, गवर्नमेंट कुछ करे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्कूल एक सिस्टम है जो लर्निंग की एबिलिटी को बना के रखता है, वो कंटिन्यूटी बना के रखता है। एक साल के लिए अगर आपका बच्चा इस सिस्टम से अलग हो जाए तो उसकी लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, उसका नेचर कैरेक्टर बदल जाएगा और उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा देश सोशली और इकोनॉमिकली ज़िंदा रहना चाहता है तो किसी भी सिस्टम को बंद ना करें, उसे चेंज करें कि वो सिचुएशन से एडजस्ट हो जाए। ई लर्निंग करें, प्रॉपरली शेड्यूल्ड ऑनलाइन क्लासेस करें, नए मेथड्स ढूंढे पढ़ाने के। लेकिन अगर सिस्टम्स को बंद कर दिया गया तो लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग भूखे मरेंगे। और मैं सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपका रेस्टोरेंट हो, उसे बंद ना करें, टेक अवे सिस्टम्स चलाएं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें होम डिलीवरी पे लगाएं और न्यू मेथड्स ढूंढें इस सिस्टम को फिर भी चलाने के। हो सकता है आप एक डांस टीचर हैं या आप एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं, इस समय आपके पास कोई भी नहीं आ रहा कोविड के डर से, तो आप ऑनलाइन क्लासेस जूम पे शुरू कर सकते हैं, पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं। आपको इस समय खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है, जो मेथड्स हम यूज़ करते आए हैं उन्हें चेंज करना है, इस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को सीखना है, टेक्नोलॉजी में खुद को इम्प्रूव करना है। मेरे पापा 67 ईयर्स ओल्ड हैं और वो एक टीचर हैं और रोज़ वो अपने फ़ोन से लड़ाई करते हैं, अपने कंप्यूटर से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं और वो रोज़ सीख रहे हैं। ये समय प्रोफेशंस बदलने का समय नहीं है, ये प्रोफेशनली और स्ट्रॉन्ग होने का समय है। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव, बट दोज हु बेस्ट मैनेज चेंज। इस समय वो सर्वाइव नहीं करेगा जो बहुत ताकतवर हो या जो बहुत बुद्धिमान हो, इस समय वो सर्वाइव करेगा जो चेंज के साथ, बदलाव के साथ खुद को भी बदल ले। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो चेंज नहीं हो सकते, जो बदल नहीं सकते, जो सालों से एक ही चीज़ करते आए हैं और अब उनके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। पिछले पूरे हफ्ते हमने राशन बांटने का काम किया और हम कई लोगों से मिले और ये उसमें से एक छोटी सी स्टोरी है। अच्छा जी, सवेर का 100 रुपया नहीं बनी, 8 बजे तो आया था, 100 रुपया नहीं बनी, 8 बजे मैं इससे आ जाऊंगा। लोग बहुत प्रॉब्लम में है। ये रिक्शे वाला सुबह 8 बजे से वहाँ पर बैठा हुआ है और ये रो रहा था कि सर मेरा रिक्शे का रेंट रोज़ का 30 रुपये है, लेकिन सुबह से मैंने 100 रुपये भी नहीं कमाए। कि पिछले लॉकडाउन के आखिरी 4 दिन वो बिल्कुल भूखा था, उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई और उसकी वाइफ बहुत ओल्ड है, वो खुद बहुत ओल्ड है और 15-20 साल से वो सिर्फ रिक्शा चला रहा है। ऐसे लोग जो बदल नहीं सकते, कौन ध्यान रखेगा? अगर आपको गॉड ने किसी की ज़रूरत, किसी की नीड दिखा दी, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर आप इस बात को समझ ले तो आपको एक बात बहुत गहरी समझ आएगी कि आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग प्रॉब्लम में हैं? अगर गॉड है, अगर भगवान है, अगर खुदा है, तो फिर भी लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? 2 रीज़न से प्रॉब्लम है। पहला खुद के नेचर और कैरेक्टर की वजह से, और दूसरा इसलिए कि अगर उनकी नीड, उनकी ज़रूरत किसी को दिखा दी गई है, उस व्यक्ति ने उनका ध्यान नहीं रखा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में देखते हैं तो अपना मुँह ना मोड़ें, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था हमारी पिछली वीडियो में और सच में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत लोग हेल्प के लिए आ गया है। जब वो राशन के पैकेट्स परिवारों तक पहुँचते हैं, अंदर हार्ट में हमें अच्छा लगता है, हमें स्ट्रॉन्ग महसूस होता है कि हम सच में लोगों में एक परिवर्तन ला रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 500-1000 रुपये भी सेव कर रहे हैं, वो हमारे देश को भूखा रहने से बचा सकता है। मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा उन लोगों का
जिन्होंने हमारे राशन के सिस्टम को सपोर्ट किया। सच में आपकी वजह से बहुत लोगों तक राशन पहुंच पाया। थैंक यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिस्टम्स को बंद ना करें। सिस्टम्स जैसे चल रहे थे उन्हें चलने दें, नए तरीके ढूंढें इस सिचुएशन से निकलने के। लेकिन आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन उसको चेंज करना या बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। इन दिनों इन्वेस्ट करें अपने आप को सीखने में, नई चीज़ें सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें, खुद को अपडेट करें, खुद को इम्प्रूव करें। बिकॉज हेजिटेटिंग टू लर्न इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेलियर। क्योंकि सीखने से झिझकना हार की पहली सीढ़ी है। थैंक यू।